हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है मुकुंद अग्रवाल और आप देख रहे हैं मुकुंद अग्रवाल ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेलवन। बेलवन क्या चीज़ है, मैं आपको पहले चलते चलते बताता हूँ। तो बेलवन जो है वृंदावन के पास पड़ता है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी अनोखी कहानी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इसकी अच्छी अनोखी कहानी के बारे में। तो फिलहाल अभी जो हम निकले हैं वृंदावन से, करीबन दोपहर में बज रहे हैं ये 2 के आसपास, और हम जा रहे हैं बेलवन महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली ये महालक्ष्मी जी का ही टेम्पल है बेलवन में, तो हम वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए महालक्ष्मी जी के टेम्पल में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले रास्ता दिखाता हूँ कि किस तरह का रास्ता रहेगा। ये अभी हम लोग आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग के अंदर और सीधा कच्ची पुल वृंदावन में है। तो अभी हम कच्चे पुल से होकर जो है ये जमुना जी का जो एरिया है इसको पार करेंगे आगे चल के। और कितने सारे वगैरह आप देख रहे हैं, चिड़िया वगैरह उड़ रही हैं। और ये आ चुके हैं हम जमुना जी के किनारे पर। तो अभी थोड़ा सा और नेक आगे चलते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो ज़्यादा ही जो है धूल मिट्टी हो रही है। और ये पूरा सड़क आप देख रहे हैं, पूरी कच्ची सड़क है, अभी यहाँ पे पक्की सड़क नहीं है। और ये कुछ शॉट ले रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैंने जो है माइक वगैरह से मैंने वायरलेस अंदर सेट कर रखा है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो हम चलेंगे अभी थोड़ा आगे की तरफ और देख रहे हैं पूरी कच्ची सड़क आ गई है जाके। जो है ये पुल जो कच्चा ये सामने जा रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ये सामने जो कच्चा जा रहा है इसी में हम आगे चल के मिलेंगे। कच्चा पुल ये जो कनेक्ट करता है वृंदावन और बेलवन से, ये जो आप जमुना जी आप देख रहे हैं वृंदावन में जो है जमुना जी फ्लो करती है, और ये जमुना जी के बीच रास्ते में जो है ये जो है कच्चा पुल बनाया गया है। इसमें से खाली 2-व्हीलर और जो छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं 4-व्हीलर जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, 3-व्हीलर जो ऑटो आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं, सिर्फ यही इस जगह जो है ये अलाउड है। तो ये अभी हम जा रहे हैं बेलवन, यहाँ से करीबन बेलवन 15 या 10 मिनट के आसपास होगा। और पूरा का पूरा जो है कच्ची सड़क है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा कच्ची सड़क। ये आगे साइड अगर आप देख रहे हैं ये लोग भी जा रहे हैं बेलवन जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है थर्सडे है और थर्सडे को भाई देख रहे हो रिएक्शन तगड़े ही मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है हेलमेट और कैमरा जो है मैंने पूरा सेटअप कर रखा है और जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा ही तगड़े मिल रहे हैं। तो चलिए मैं बात कर रहा था रास्ते के बारे में, ये पूरा रास्ता जो है कच्ची सड़क है। अब फटाफट थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस बेलवन का और ये कच्ची सड़क का। वैसे अगर इसमें हिमालयन होती या फिर अपने पास अगर BMW की GS वगैरह या एडवेंचर कुछ भी होती या 390 भी होती एडवेंचर्स लिमिटेड जो आती है BMW की, काफ़ी मज़ा आ जाता है। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी बाइक लेने का पूरा प्लान है। तो कौन सी बाइक लेंगे क्या लेंगे वो आपको आगे ब्लॉग में बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं भी जो है वीडियोज़ क्रिएट कर दूँगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो अब तक का, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे चल के बहुत ही अच्छी यूनिक वीडियोस बहुत ही अच्छी ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत आने वाली है। और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं बेलवन की तरफ। जैसे हम बेलवन जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और भीड़ जो है एकदम बढ़ती ही जा रही है, जितना हम आगे जाके चलते जा रहे हैं भीड़ उतनी उतनी बढ़ती जा रही है। अभी काफ़ी ट्रैफिक जाम सा भी लगने लग गया है यहाँ पे जो है कच्ची सड़क की वजह से, ऑटो है ये रिक्शा है, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे में जो है बेलवन यानी कि महालक्ष्मी जी की जो है मान्यता कुछ ज़्यादा होती है। वो मैं और आगे चल के बताऊँगा, इसकी पूरी हिस्ट्री इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊँगा। तो ये वाला रास्ता जो है ये आता पूरा बेलवन के लिए, इधर पूरा जमुना जी का जो है इलाका है। तो मैं भी लाइफ में शायद पहली बार आया, मैं बहुत छोटा था तभी बहुत तभी आया हूँ मैं, तो मैं बहुत छोटा था। तो अब जाके मैं यहाँ बेलवन में अब आया हूँ करीबन
कम से कम 20 साल तो हो गए होंगे, जब मैं 6-7-8 साल के आसपास कहूँगा तब मैं आऊँगा। अभी मेरे को 18 से 20 साल के आसपास मेरे को होगा यहाँ पे आए हुए। अगर आप अपने पास स्कूटी की जगह एडवेंचर होती, हिमालयन होती या फिर BMW ये की होती तो माँ कसम मज़ा आया था बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत तगड़ा वाला मज़ा आता है, जिसको बोलते तगड़ा वाला मज़ा। तो अभी फिलहाल मैं अपने संग लेके आया हूँ Insta360 XT, थोड़ा बहुत शॉट निकाल लेंगे। चल रहे सीधा अपन लोग, अभी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, देखो जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से इतनी पूरी भीड़ पे भीड़ लगी हुई है। तो इतनी तगड़ी है अभी जो यहाँ पे भीड़ है। वैसे यहाँ की जो सबसे ज़्यादा मान्यता है वो थर्सडे को है, लेकिन वो विंटर सीजन में ही आती है, ये दिसंबर से जनवरी के बीच में। और हर थर्सडे को यहाँ पे जो है बहुत अच्छा खिचड़ी प्रसाद होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद का जो है यहाँ भोग लगाते हैं, और काफ़ी लोग जो है तो यहाँ पर जो है हर चौथे को यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद होती है, काफ़ी लोग यहाँ पे जो है खिचड़ी का भोग लगाते हैं और यहाँ भंडारा वगैरह कराते हैं खिचड़ी का पूड़ी का, यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है। और थर्सडे को यहाँ पे क्या थर्सडे को पूरे दिन खुलता है, थर्सडे को 7 से पूरे दिन खुलता है। मंदिर जाएंगे तब मालूम पड़ेगी क्या सिचुएशन है मंदिर की, टाइमिंग वगैरह के बारे में मालूम पड़ेगी। और चलो चलते हैं, कुछ इस तरह का है मंजर। काफी तगड़ी भीड़ है, फिर कितनी ही ज़्यादा तगड़ी भीड़ यहाँ पर जो है हो रही है एकदम। तो भाई साहब कितनी कर रही भीड़ होने के बाद, मन मारने के बाद आखिरकार लाइन में लग ही गए, यहाँ पता नहीं क्या क्या साउंड था बज रहा था, क्योंकि दर्शन तक करने ही थे। तो हमने जो है यहाँ पे जो प्रसाद दिया है ये अशोक क्या बोलते हैं रेबड़ी और फूल हमने यहाँ ले ली, चप्पल हमने उस वाले शॉप पे उतार दिए थे। तो अब यहाँ पे कोई कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है ये लाइन लग रही है, और बराबर से चलेंगे। यहाँ पर जो है ये आप गोबर का थापा वगैरह यहाँ पर लोग मान्यता वगैरह करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, और ये जो है यहाँ पर कुछ ये दीपक वगैरह जलाया जा रहा है, तो जैसे जिसकी मान्यता होती है वो यहाँ मांगते हैं। और यहाँ पर जो है प्यारा सा गणेश जी का जो है मंदिर है, और इस तरफ ये जो है ये परिक्रमा का जो है रास्ता है, यहाँ पे भी जो है ये 3 मंदिर जो है अभी बन रहे हैं, आगे चलते हैं। ये पहला मंदिर जो है ये कृष्ण जी और राधा जी का जो है मंदिर है, फिर बड़ी ही अच्छी खासी जो है यहाँ पर ये मूर्ति बनाई गई है, श्रृंगार भी काफ़ी हमें अच्छा लगा यहाँ पर देखने के बाद। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऊपर ये कुछ लगा हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी देखते हैं और आगे क्या है, यहाँ पर भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा तो ये है महालक्ष्मी जी की जो है ये चरण स्पर्श वगैरह लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर बना रखा है। और इसके आगे थोड़ा चलते हैं, ये है शायद अरे ये श्री महाराज कुबेर जी का जो है यहाँ पे एक प्यारा सा ये मंदिर है, कुबेर जी बैठे हुए हैं। तो चलिए ये हो गई अब सारे मंदिर की बात, मैंने आपको पूरा मंदिर दिखा दिया है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये महालक्ष्मी जी का मंदिर पड़ा क्यों।
तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में महारास का आयोजन किया था, और उस महारास में सिर्फ और सिर्फ गोपियों को ही आमंत्रित था। तो उस महारास में खुद स्वयं महादेव जी गोपी जी का जो है रूप धारण करके आए थे पार्वती जी के साथ। और इसका प्रमाण ये है कि वृंदावन में बहुत ही प्यारा एक महादेव जी का मंदिर है, गोपेश्वर महादेव जी का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। अगर गूगल वगैरह करेंगे तो आपको इसीलिए वो मिल जाएगा। तो उसमें महालक्ष्मी जी ने भी सोचा कि मैं भी जाऊंगी और मैं महाराज देखूंगी। तो जब वो वृंदावन आई तो राधा रानी की एक बहुत ही प्रिय सखी थी ललिता जी, शायद आप जानते होंगे। तो महालक्ष्मी जी जब वृंदावन आई तो ललिता जी ने महालक्ष्मी जी को वहीं रोक दिया और वो बोली कि वृंदावन में धन दौलत संपत्ति का कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पर जो सिर्फ खाली प्रेम भाव से आता है उसी को ही वृंदावन में आने दिया जाता है। तो इसी कारण महालक्ष्मी जी बेलवन नाम की जगह पर, जो अपने वृंदावन से जमुना पार पर है, वहाँ पर जाकर महालक्ष्मी जी बैठ गई, उदास हुई और श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगी। तो समय बीतता गया। महारास के दौरान सारी गोपियाँ सब लोग थक चुके थे और उसी वक्त श्री कृष्ण जी को बहुत फिर भूख लगी। तो ये वाली बात महालक्ष्मी जी को जो है मालूम पड़ी, तो उन्होंने वहीं पर खिचड़ी बनाई थी और यमुना जी की मदद से, यमुना जी के सहारे उन्होंने श्री कृष्ण जी तक वो खिचड़ी पहुँचवाई थी। तो तभी से जो है दोस्तों बेलवन महालक्ष्मी जी के नाम से जो है एक जाना जाता है। इनका यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कभी अगर आप वृंदावन आते हैं तो महालक्ष्मी जी के दर्शन किए बगैर नहीं जाइएगा। तो ये आप सीधा बाहर निकलने, तो फाइनली हम लोग जो है श्री लक्ष्मी माता जी के दर्शन लिए और भी अंदर राधा कृष्ण जी की मूर्ति, कुबेर जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति थी, उन सबके हमें दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने। तो अब सीधे निकल रहे हैं अपने चप्पल जूते जहाँ पे हम लोगों ने उतारे थे वहाँ चल रहे हैं। तो इन भैया जी से हमने जो यहाँ पे अपने जूते चप्पल डाल रखे थे, भाई मेरी तो मिली ना रही। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं इस बेलवन के खूबसूरत गांव में, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो मिलेंगे आपसे किसी अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए क्या करने का, खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, मुस्कुराने का, क्योंकि मुस्कुराने से ही आपकी जिंदगी बस पाएगी।